हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो आपका भाई अभी सुबह सुबह पता है बस स्टैंड से आ रहा है। आप ही सोचोगे सुबह सुबह भाई जिप्सी से बाहर से स्टार्ट कर रहा है, तो बस स्टैंड गया हुआ था, सामान आया था। सामान क्या आया था? डॉक्यूमेंट्स आए थे अपनी जिप्सी के, NOC, ठीक है, तो ट्रांसफर हो जाएगी। मैंने आपको बोला था ना लास्ट वीडियो में 15-20 दिन में मतलब नंबर डल जाएगा, 15-20 दिन में इसमें नंबर लग जाएगा। और आपका भाई पजामे में, ये देख सकते हो आप, पजामे में ही हूँ मैं, ऐसे उठ के आ गया था घर से। तो अभी एक काम करते हैं, चलते घर, फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत अभी करते हैं, ठीक है? तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की ब्यूटीफुल वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेट्स गो। और बढ़िया बढ़िया धूप है आज, मतलब मजेदार। और सुबह सुबह भाई बस स्टैंड में ना इतनी भीड़, बुरे हाल से भीड़ लगी हुई थी, चलने की भी जगह नहीं थी। मतलब वो आ गई थी, बसें आती है ना एक साथ बसें आ गई थी और टैक्सी वाले सारे पहुंच जाते, चलने की तक जगह नहीं थी। लेकिन एक चीज है, अब बस स्टैंड ये लोग बना रहे हैं, पहले बस स्टैंड के कितने बुरे हाल थे ना, अब थोड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ये चीज पहले कर लेते यार। अब घर जाके सबसे पहले मैं नहाऊंगा धोऊंगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर एडिटिंग रात को आधी कर ली थी, आधी एडिटिंग अभी करूंगा, उसके बाद बहुत काम है आज का दिन, बहुत बहुत ज्यादा काम। गाइस घर से रेडी भी हो के मैं निकल चुका हूँ, जिप्सी में बैठ गए, पीछे सामान डाल दिया क्योंकि चेंज करने को यार। गीजर उसने पता नहीं कौन सा डुप्लीकेट सा दे दिया यार को, दिखाया कुछ और था और भेज कुछ और दिया इसने। तो मार्केट चलते हैं, गीजर भी चेंज कराते हैं और एक सिंक बड़ा आ गया बाहर वाला, वो भी चेंज करवाना है, छोटे मोटे काम है वो करके आते हैं। उसके बाद म्यूजिक सिस्टम का, इसमें क्योंकि हमने वूफर निकाला था, अंदर दिख रहा हूँ कितना गंदा सारा पड़ा हुआ है, सब क्लियर करवाना है मेरे को। गाइस आपको पता है क्या, ये है मेरा दूसरा राउंड, उस टाइम मैंने आपको बोला गीजर गया चेंज करने के लिए, मैं जा रहा हूँ, वो चेंज करके आ गया था, और अब मैं ये पाइप चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। गीजर वगैरह चेंज करके मैं आ गया था, मतलब सामान जो भी था चेंज करके मैं आ गया था घर, उसको इलेक्ट्रिशियंस भी आ गए, वेल्डिंग वाला, मतलब सारे एक साथ आगे, तो होता ही नहीं, खजलबंड हो गई थी काफी ज्यादा, मेरे को तो शूट करने का ध्यान ही नहीं रहा। फिर अभी फिर से सामान कम पड़ गया है, तो वही 2-3 चीजें लानी है। तो आज जब काम चला हुआ तो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो पहले मैं सोचा था बाइक लेके जाऊं, लेकिन ये पाइप कौन पकड़ता है, बाइक लेके जाता गाड़ी में ट्रैफिक में जरूर फंसूंगा, लेकिन ये है कि सामान सारा इसके अंदर आ जाएगा। तो अभी मार्केट जा रहा हूँ सामान लेके आता, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है यार। और लो आपका भाई लंच करके निकल चुका है, इस बार तो मैं पेट पूजा करके जाऊंगा, ऐसे नहीं है कि काम खाना भी जरूरी है, मम्मी का कहना होता है। गाइस एक्सीडेंट हो गया यहाँ, देखो गाड़ी घुस गई अंदर बाहर। यार मैं जैसे मार्केट सामान लेने के लिए आ रहा था, वो गाड़ी देखा अपने, मतलब हुआ क्या, उन लोगों को दिखाई नहीं, एक तो रॉन्ग साइड से चले हुए थे, सामने से गाड़ी आई और उन लोगों ने पूरी डाली, और नाली बहुत गहरी थी, लेकिन निकल गई उनकी गाड़ी, इसलिए मैंने फोन डाउन कर दिया था जैसे मैं आगे को निकल गई। और उनकी तो निकल गई लेकिन मेरी गाड़ी फंस गई, मैंने यहाँ पे लगाई थी सामान डाला और पीछे किसी ने गाड़ी लगा दी, फोन नंबर भी नहीं लिखा है, मिटा के रखा हुआ है। अब देखता हूँ, वेट कर रहा हूँ गाड़ी के अंदर कब आएंगे भाई, मेरे को ऊपर से घर से फोन कर रही है जल्दी आ जाओ। आज मैं सोच रहा था सुबह से लेके, ठीक है, 2-3 राउंड तो मार लिए, मैंने कहा ट्रैफिक ही नहीं है बिल्कुल भी, और तब से ट्रैफिक में लाइन में फंसा हूँ। और वो पता क्यों फंसा, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग हो गई 3:40, स्कूल बस चली हुई आगे, उसने पूरा फंसा दिया। और ये ऐसे साइड में भी लगा देते ना यहाँ पे, वो देखो इसकी वजह से फंस गया, मतलब साइड में। यार देखो मेरी गाड़ी भी होती है, काफी लोग ये सोचते होंगे कि ये खुद भी तो गाड़ी ऐसे लगाता है, लेकिन मेरी गाड़ी अपनी आधी उसमें होती है, ठीक है, साथ में मेरा सिर्फ थोड़ा सा टायर रोड में होता है, बाकी मेरी वहां इतनी जगह होती है कि दो टेम्पो भी आ गए ना, अगर टेम्पो ट्रेवलर्स भी दो, वो भी बहुत इजिली क्रॉस हो जाते हैं। बट यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कैसे क्रॉस हो गया, अगर पूरे परे भी चिपका दी तो वो गाड़ी है परे, और ये पावर लूज कर रही है गाड़ी, पता नहीं क्यों, चेक करानी पड़ेगी यार। तो यार काफी देर से लेके आपका भाई गायब है, गायब पता है, घर पे काम काफी देर, फिर डॉक्यूमेंट सुबह भेजे हुए थे ना, उसका काम भी मेरे को करने को था। फाइनली अपने घर का जो काम है 80% मैं बोल सकता हूँ, 80% जो काम है वो कम्प्लीट हो चुका है, बाकी 20% 2 या 3 दिन मैक्सिमम लोग, अब 3 दिन में हो जाएगा। और काम पता है क्या किया है, ये चेक करे बॉयज, 0.5 में मैंने रखा हुआ है कुछ इस तरह का, मैंने आपको बोला था ना जब किचन रेडी होगा तो बहुत, मतलब बिल्कुल डिफरेंट सा लुक आने वाला है। एक बार साफ सफाई हो जाए, सब कुछ रेडी हो जाए ना, फिर जो लुक आएगा फाइनल लुक मैं आपको एंड में देने वाला हूँ। एक बार 1x में रखता हूँ, ये मैंने 1x में रखा हुआ है, 1x में कुछ इस तरह का लुक है। कमेंट में अपने प्यार जरूर दिखाना, कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लग रहा है अपना किचन और क्या क्या चीज हम और कर सकते हैं, वो कमेंट में, ठीक है, कमेंट वाला जो बॉक्स होता है वो आप लोगों के लिए होता है। बाकी वॉशरूम भी रेडी हो चुका है, एक बार दिखा देता हूँ, पिछले कल मैंने आपको दिखाया था ना, और कुछ इस तरह से हो चुका है वॉशरूम भी रेडी। अच्छा यहाँ पे शीशा लगाने को रह गया, वो लगा देंगे, बाकी कुछ इस तरह का लुक है बस, ठीक है जी, थैंक यू, काफी अच्छा काम किया आपने ना, ओके जी, थैंक यू। तो यार अभी घर से आ चुका हूँ मैं ऑफिस, एक्चुअली जो सुबह डॉक्यूमेंट्स आए हुए थे ना उसमें चेसी ट्रेस चाहिए था, तो चेसी ट्रेस मैंने ले लिया और कुछ इस तरह के एनवलप में। और आपको पता है कि ये देसी टाइप का मैंने खुद बनाया हुआ एनवलप, यहाँ देखो स्टेपल मार कर, भैया का आइडिया था, भैया थैंक यू। गंगा पिछले कल के वीडियो में कमेंट पढ़ा ना, ही पढ़ा, आज पढ़ना, पढ़े हैं आप ही बताए हैं, आज पढ़ना, ठीक है, ओके। यार किसी ने ना कमेंट किया हुआ था, पता नहीं कौन था वो, कि भैया गंगा डेली एक ही जैकेट पहन के होता है, उसको जैकेट दिला दो। वैसे तो आशु तेरी भी शक्ल डेली एक ही रहती है, शक्ल चेंज कर दो। तो आज हमने गंगा को शोरूम में डाल दिया, गंगा सारी जैकेट तेरी है यहाँ पे, गंगा आता ही उस दिन है जिस दिन ये जैकेट पहनी हुई है, इसकी लगी जैकेट है। यार पता है क्या, यहाँ तो इतनी सारी जैकेट है ना, गंगा को, गंगा निकाल, गंगा की सब है, सब तेरी जैकेट है, गंगा कभी डेली एक एक जैकेट पहना कर, क्या भैया डायलॉग हमारा, क्या हमारा गंगा कभी नहीं रहता नंगा, हमारा गंगा कभी नहीं रहता नंगा, गंगा वो शर्मा आ गया हो, गंगा गाना रह गया था परसों, चल गया,
रह गया था, बढ़िया वाला सुना, बढ़िया वाला प्लीज, और अलग से चल, बढ़िया वाला। खूब पियेंगे बीयर सीयर, साथ मिलेंगे सेक्सी बीयर पार्टी चलेगी सारी रात, लवंडियर लंदन से मंगाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। ओए जावे जावे, ओए ज्यादा ही हो गया, ज्यादा खुल गया गंगा भाई, गंगा ज्यादा खुल गया। तू यार बस स्टैंड से तो निकल गया मैं, लेकिन वही रूटीन ट्रैफिक तो एज यूजुअल लगेगा ही। बस स्टैंड के पास लगा जो मतलब मैं प्राइवेट बस स्टैंड से आया और गवर्नमेंट बस स्टैंड के पास लाइन लगी हुई है काफी देर से लेके। और आपको पता है क्या, मेरे को उन्होंने बोला हुआ था, जो डेंटर थे जिन्होंने ये किया रबिंग वगैरह, वो कह रहे थे कि इसको ना एक बार वॉश भी करा लेना, लेकिन आपके भाई को टाइम ही नहीं है। देखा आपने कितना बिजी रहता है आपका भाई, बहुत बिजी रहता है भाई, बहुत काम होता है, अब जाके किसकी लाइन इतनी देर बाद। तो यार अभी बस स्टैंड से आ चुका मैं हडिंबा मोटर्स। आपको पता है इतने दिन से हम फालतू में मतलब कर रहे थे वन एक्स में, इतने दिन से हम लोग फालतू में जुगाड़ कर रहे थे ना, इसमें कोई कामयाब नहीं था। यहाँ देखो ये मिल चुकी पाइप, ये मेरे को काफी लोगों ने यूट्यूब में भी कमेंट किया था, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि ऐसी पाइप होती है, ये वॉश बाथरूम वाली पाइप होती है, सिवरेज वाली नहीं होती, एक साइड से 3 इंच एक साइड से 4 इंच अलग अलग साइज की मिल जाती है। तो अभी ये लगा के देखते हैं ऐसी ऐसी लगेगी, इस साइड से मोटा है ना, उस साइड से ये साइज है, देखते डाल के अभी करते कुछ ना कुछ जुगाड़ करते इसका। यार वो पाइप वाला जुगाड़ ना काम ही नहीं है, क्योंकि वो 4 फुट है आगे और उन्होंने मेरे को 4.5 फुट दे दी, और दूसरी साइड वो 2 फुट है वो भी पूरी 2 फुट ही आई, मतलब थोड़ी सी ऊपर होती ना फिर अंदर घुस जाती, वो वाली टेक्निक भी पूरी काम नहीं आई। तो एक और टेक्निक है मेरे माइंड में बहुत तगड़ी वाली, और ये 100% काम करने वाली है, तो वो जो टेक्निक कल अपनाएंगे हम लोग, क्योंकि कल जिप्सी का भी थोड़ा सा काम करवाने को मेरे को, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था ना एक्सपेडिशन और टूर है वो भी निकलने वाला है, तो उससे पहले काम कराना पड़ेगा गाड़ी का। तो अभी जल्दी से चलते ऑफिस, फिर ऑफिस में मिलते हैं आपको जाके। अभी तो एज यूजुअल मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, ट्रैफिक मनाली जाओ वहाँ ट्रैफिक, बशीर जाओ वहाँ ट्रैफिक, और कल गाड़ी वॉश करनी पड़ेगी क्योंकि आगे स्क्रीन में दिख रहा है कितना गंदा है, और ये बिल गाना है, कल बहुत काम है करने को गाड़ी के यार। तो गाइज अभी घर पहुंच गया मैं, ठीक है, बाकी जो काम है सिर्फ कल का और परसों, 2 दिन का काम रह गया हमारा, छोटा मोटा काम, मतलब ग्रिल वाला भी कल आ जाएगा, बेल्डर और बेड बैक का और मैट बिछाने का, ये 3 काम हमारे रह गए, बाकी काम हमारे ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, मतलब 2 दिन में हमारा क्रिसमस से पहले कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अभी काम करते हैं, काफी थक गया हूँ, सुबह से दौड़ ही रहा हूँ, तो चलते हैं फ्रेश वगैरह होते हैं, और आज की इस वीडियो को ना हम लोग यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं कल के फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। Minimum stress, that's your best, classic dress.